हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो आज आपका भाई आ रहा है फतेहपुर सीकरी। तो गाइस फतेहपुर सीकरी का ये मेरा दूसरा व्लॉग होने वाला है। मैंने इससे पहले व्लॉग डाला था 2 साल पहले। तो आइए चलते हैं, 2 साल बाद जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी और हमारे साथ जा रहे हैं साहिल भाई हमारे और जीशन भाई जा रहे हैं। जीशन भाई ने कैमरा पकड़ा हुआ है। तो गाइस चलो साथ में मिलते हैं हम आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी के टोल टैक्स पर। तो देखा आपने फतेहपुर सीकरी यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर है। 4 किलोमीटर गाइस हम ज़्यादा यहाँ मुश्किल से 10 मिनट में पार कर देंगे। और ये टोल टैक्स आपको दिख रहा है, हमारे तो भाई टोल लगेगा नहीं क्योंकि हमारी 2 व्हीलर टोल टैक्स लगता है। 2 व्हीलर से ज़्यादा वाली का वो लगता है टोल टैक्स। तो गाइस चलते हैं फतेहपुर सीकरी आगे मिलते हैं। हम फतेहपुर सीकरी के फर्स्ट गेट पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हमारी अंदर एंट्री होती है। ये देखिए कितना बड़ा है। तो देखिए गेट के अंदर आ चुके हैं हम यहाँ पे। दोस्तों देखिए रोड को छोड़ के हम यहाँ से निकल रहे हैं पेड़ों के बीच में से। देखिए रोड यहाँ पर है और हम इसके ऊपर चल रहे हैं। यहाँ से पेड़ों पे तो हो गए जा रहे हैं बॉर्डर पे। ओ बच गए बॉर्डर पे तो हो रहे अब तो। दोस्तों देखिए पार्किंग में आ रहा है पार्किंग लगाने। फाइनली गाइस यहाँ हमें पार्किंग तो मिली नहीं, पार्किंग मिली थी वो काफ़ी दूर थी, लेकिन ये हमने जुगाड़ की पार्किंग की है। इन अंकल जी को हमने दी है 50 रुपये। 50 रुपये में यहाँ पे गाड़ी अपने पार्किंग की है। तो गाइस इसकी सबसे तो खासियत वाली बात है डर वाली, इसमें चाबी नहीं है ना ही लॉक है, बिना चाबी के स्टार्ट है। तो गाइस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आओ अंकल जी हैंडल लॉक नहीं है। 50 रुपये। अरे पैसे दे के आएंगे। आखिरकार हम पहुंच गए फतेहपुर सीकरी में। ये देखो आपको पीछे दिख रहा हो तो देख रहा वही गेट है परंदा वाला। तो गाइस हम 2 साल बाद जा रहे हैं ना, तो देखते हैं अब क्या रिएक्शन आते हैं हमारे देखने में। पहले तो काफ़ी अच्छा आता था, काफ़ी मज़ा आता था। हम ईद पर आए थे, ईद से ईद पर मेला लगता है यहाँ पर इस वजह से। तो गाइस तो फतेहपुर ज़्यादा दूर है, ज़्यादा ऊंचाई पर है, हम थक गए इसी वजह से। हमें ये छोटा भाई मिला है, ये हमें घोड़े पर बैठाया है। क्या नाम है तेरा? फारूक भाई।
तो गाइस ये फतेहपुर सीकरी, मौसम काफी अच्छा हो रहा है। सो फाइनली गाइस हम यहाँ पर तीन लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे राहुल भाई मिल गए हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारे राहुल भाई मिल गए हैं। ये हमको बिना बताए यहाँ पर आ गए। इन्होंने हमसे ये नहीं बोला कि सभी यहाँ फतेहपुर सीकरी चलने, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ऊपर चल। इनका नाम है अखिल भाई। अखिल के अलग अच्छी अखिल भाई, तो आओ हम लोग आए। हाँ तो भाई यहाँ पर ऊपर चढ़ते चढ़ते देखना, बावन चिड़िया, हमारी सांस फूल चुकी है और हमारी बैटरी लो हो गई है। अब यहाँ पर थोड़ा आराम करते हैं, फिर अंदर जाते हैं क्या व्यू आता है। तो गाइस हमने किए हैं नक्की मेहमत जी, जो हमारे गाइड हैं, अभी हमको घुमाएंगे ये सारी बिल्डिंग के हवा महल को, सारे महल जाएंगे। वो सामने जो जंगल के अंदर जो दीवार नजर आता है ना, हाँ हाँ, इस किले का दीवार है, बाउंड्री वॉल 10 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ जी। अच्छा, अकबर बादशाह ने 9 दरवाजे दिए हैं जी, 8 गेट आम पब्लिक के लिए और 1 गेट अकबर के लिए। जिस गेट से जो अभी आप लोग आए ना, हाँ, अकबर के आने का, जिसको आगरे गेट बोलते हैं, बाकी का आम पब्लिक लोकल एंट्री। काले वाले जो डोम नजर आते हैं ना, हाँ, उस जमाने के शाही स्नान घर हिमाम, अकबर के टाइम पे जो भी लोग यहाँ आया करते थे, सबसे पहले यहाँ लोग स्नान करते थे, उसके बाद अंदर एंट्रेंस किया करते थे। और पानी का प्रॉब्लम है, इसलिए उनको क्लोज कर दिया गया। ये मेन गेट बुलंद दरवाजा, हाँ, बुलंद के माने ऊंचे, दरवाजा माने गेट। इसका जो हाइट है नीचे रोड लेवल ऊपर टॉप तक 176 फीट। यहाँ प्लेटफार्म हाइट 134, अंदर से ये पूरा खाली है, सपोर्ट बाई पिलर, खाली है बिल्कुल, पिलर पिलर के ऊपर डटा हुआ है। अच्छा, साइड से 33 सीढ़ियाँ हैं। ये शाही लंगर खाना, जो अकबर के टाइम गरीबों को खाना मिलता था, भंडारा हुआ करता था। आज भी अंदर में अकबर के गुरु की दरगाह है, सलीम चिश्ती जिनका नाम है, यहाँ लोग मन्नत के डोरियाँ बांधते हैं, धागे बांधते हैं मन्नत। ये पानी का टैंक है बाबड़ी, हाँ बाबड़ी, इसमें 30 फुट पानी है। आज से 10 साल पहले गुड़े बाबा का बिजनेस था, 100 रुपये लेता था, ऊपर से लाइव लगा के इसके अंदर कूदते नहीं दिखाने को। गुड़े बाबा एक्सपायर हो गए, उनके बच्चों लोग आज भी इसके अंदर में जंपिंग करते हैं। पानी की प्रॉब्लम है, इसलिए सारा जो दरगाह का पानी इस बिल्डिंग के अंदर में जमा होता था, उस टाइम इसका जो पानी है बिल्डिंग के रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया था। अभी आप चलेंगे अंदर, शूज ले लो हाथ। सामने जो फाटक पे जो नाल नजर आते हैं, ये सारे मन्नत के नाल हैं। जैसे जैसे आम जनता का घोड़ा बीमार हो जाता है या रेस में हार जाता है, दरगाह जाते हैं लोग धागा बांधते, मन्नत जब पूरी हो जाती है तो नया नाल गरीब को यहाँ लगा देते हैं। सबसे बड़ा जो नाल है अंग्रेजों के टाइम का, घोड़े का साइज बड़ा तो होता नहीं है, यहाँ ब्रिटिश ने राज किया था, अंग्रेज ने, उसका घोड़ा बीमार हुआ, उसने बाबा पर चादर फलाई, धागा बांधा, घोड़ा जब सही हो गया तो नाम के ऊपर साइज बड़ा करके नहीं लगाया। कितने साल का आना? 1905 ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। ये सामने बना हुआ है घर में परदेश मूवी, यहाँ परदेश फिल्म बनी थी शाहरुख खान की, दुकान होता ना, नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, इसी जगह पर होता परदेश फिल्म में। हाँ, जूते रखा था हमने, गार्ड दिए 40 रुपये में, लेकिन सारा उल्टा सीधा बताने हमें कुछ मतलब नहीं, उसे टाइम पास करना, टाइम पास करना। तो सबों की चप्पल लग चुके हैं यहाँ पर दोस्तों, अभी देखिए। और बुलंद दरवाजे का इसके जो होल जो बने हुए ना छोटे छोटे, ये पिजन हाउस, उस टाइम के पोस्टमैन यहाँ छुट्टी लेके नहीं जाया करते थे, उस गेट से आम जनता आया करती थी। वहाँ सामने अकबर के गुरु की दरगाह पे आज भी की नहीं है। सामने जो छोटा दरवाजा बना हुआ है उसको बोलते हैं बादशाही दरवाजा, अकबर एंट्रेंस, अकबर एंट्रेंस करता था यहाँ सामने नमाज पढ़ने के लिए, जिसमें आज भी मुस्लिम लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं इसके अंदर। और ये मेन जगह है अकबर के पीर की, जिनका नाम है सलीम चिश्ती सूफी संत। यहाँ से किला नजर आता था, किला कोई आबादी नहीं था, खाली इलाका था, ये सूफी संत बाबे यहाँ बैठ कर इबादत किया करते थे। अकबर के 3 रानियों थी, सबसे पहली रानी थी मुस्लिम, जिसका नाम था रुकैया बेगम, दूसरी रानी थी जोधा भाई, तीसरी रानी थी कृष्ण मरियम। तीनों से अकबर का कोई संतान कोई बच्चा नहीं था, अकबर का जो संतान होती थी वो ख़त्म हो जाती थी। अकबर अपनी औलाद के लिए सबसे पहले अजमेर गया, अजमेर में दरगाह मुहिद्दीन चिश्ती की,
वहाँ अकबर ने धागा बांधा चादर चढ़ाई, वहाँ से अकबर को एक सपना हुआ कि अकबर आप जाओ फतेहपुर सीकरी, यहाँ एक बाबा रहते हैं सलीम चिश्ती, वहाँ से आपको एक बेटा मिलेगा, वहीं से आपको मन्नत कीजिए। तो अकबर बादशाह औलाद की खातिर इनके पास 7 बार चल कर नहीं आया। 7 बार जब अकबर परेशान हो गया तो इनके चरणों में जाके गिर गया, रोने लगा। इनका एक बेटा था 6 महीने का, 6 महीने का बच्चा कोई बोलता नहीं। उस बच्चे ने अकबर की प्रॉब्लम देखी, उस बच्चे ने मालिक से दुआ मांगी, 6 महीने की बच्चे की जुबान ही बोलने लगे। इनसे बोला अब्बू जान हम लोग फकीर आदमी, यहाँ का ये सेंसाई अकबर है, आप इनके लिए दुआ कीजिए। तो इन गुरुजी ने सलीम चिश्ती ने बाबा को महारानी जोधाबाई को आशीर्वाद दिया। इनका बेटा उसी वक्त बोलने के बाद इस दुनिया से चले गया। उसके बलिदान देने के बाद तब अकबर को एक बेटा हुआ जोधाबाई से, जिसका नाम रखा गुरुजी ने अपने नाम के ऊपर पहला नाम सलीम, जब वो बड़ा हुआ उसका नाम दिया जहांगीर यहाँ का बादशाह, प्यार से उसको कहते थे सीकू बाबा, चौथा उसका नाम था नूरुद्दीन। उसके बाद ये पूरा किला अकबर ने अपने बेटे की खुशी में बनाया। 1569 में अकबर यहाँ आया, 1570 में अकबर को औलाद हुआ, 1570 में इस पूरी बिल्डिंग को स्टार्टिंग किया, 1582 में कंप्लीट हुआ, 12 साल में इसको बना के तैयार किया गया। 1586 में अकबर बादशाह यहाँ से छोड़कर नहीं लाहौर गया, 1605 में अकबर का डैड हुआ, उसकी कब्र आगरा में बनी हुआ है। इस मज़ार को अकबर बादशाह ने पहले लाल पत्थर से बनाए थे, क्योंकि एक लाल मिला था बेटा जहांगीर बादशाह, जब गद्दी पर बैठा उसने लाल पत्थर चेंज किया, सफेद पत्थर लगाया वाइट मालबूर यादगारी के लिए, इसका सेम नकल करके फिर ताजमहल बना। सलीम पैदा नहीं होता तो अकबर ये किला नहीं बनाता, अकबर का पोता ताजमहल बनाता। इसको पूरे को 12 साल लगे, ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे, ये दादा ने बनाया वो पोते ने बनाया। इसमें जो डोम बने हुए पहले लाइट मशीनें नहीं थी इलेक्ट्रिक, उनके अंदर मिसाले इस्तेमाल किया करते थे रोशनी के लिए। ये कमरे बने हुए स्टैंड के 83 कमरे हैं, जहाँ अकबर के टाइम पर स्कूल लगता था मदरसा, बच्चे लोग पढ़ते थे। टीचर थे अब्दुल फजल तहजी, जिसने एक किताब बनाई थी आईने अकबरी, कमरे सारे क्लोज कर दिए हैं। आज भी यहाँ बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता है, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आज भी यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है। दरवाजे हैं 6 गेट, ये दरवाजे यहाँ से देखने में छोटे बड़े नज़र आएंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं, सेम साइज है। शुक्र के दिन ये पूरा भर जाता है, लेडीज़ बाहर पढ़ती हैं, जेंट्स अंदर। यहाँ सब लोग आ जाए, मोबाइल देखो, फोटो निकाल लो आप लोगों का सबका। ये अरबी कुरान का जो राइटिंग देखा हुआ सारा सोने के पानी से है, गोल्ड वाटर 450 साल पुराना ओरिजिनल। ये सामने झूमर अगला पहले सोने का था गोल्ड, इसको अंग्रेज लोग उतार के सेम टू नकल करके तांबे पीतल का फिट करके सोने का निकाल के दिया। हिंदू रानी कड़वा चौथ का चांद दिखती थी, कृष्ण जो रानी थी वो सूरज को जल देती थी। तीन रानी थी हैं, इन्हीं गेट हैं। और यहाँ एक फिल्म बनी थी हीर रांझा राजकुमार की, गाना होता ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो इस जगह पर होता है। अतीम फिल्म में जो कब्बाली गा रहा है ना सामने, हाँ। यहाँ सनी देओल के टाइम पे कब्बाली होती है अतीम में, जो तेरी निगाहों पे सब कुछ लुटाने आए हैं, जो सनी देओल ढकेत बनता ना धागा बांधता है चादर चढ़ाने आता है, ये वही मेन दरगाह है। यहाँ आज भी लोग मन्नत के धागे बांधते हैं, पढ़ाई लिखाई बिजनेस शादी औलाद नौकरी घर के लिए परेशानी के लिए, आज भी यह मन्नत पूरी होती है। काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो ये गार्ड साहब झूठ बता रहे हैं, मेरे को कुछ मतलब नहीं। आदिल मेरा भैया अंदर दरवाजा वीडियो बना दे। ले ली कौन है? क्यों ना 350 रुपये और लड़ाई है और चार्ज भी चली रही है। तो आज हमने घूम लिया फतेहपुर सीकरी, तो आइए चलते हैं दूसरी लोकेशन पर चलते हैं।
तो गाइस हम घर से 35 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर वाली गलियों में घूम रहे हैं। हमको पता नहीं है कहाँ जाती है रास्ता, लेकिन हमारे भाई साहिल को फूल डालने जाने हैं, कार्ड भी दे के आना है एक दरगाह पर, किसी वहाँ पे हाईवे पर। किसकी शादी है भाई तुम्हारे घर में? भाई साहिल भाई की सिस्टर की शादी है, तो इस वजह से वो कार्ड लेके जा रहे हैं। चचे हट जाओ। कौन? हाँ शादी में? ए पता ना यार। तो गाइस ये व्यू, ये देखो कैसी बात है। लाल भाई लावी भी पानी पानी ले स्टार्ट। तो गाइस आपको YouTube पर ये वाला व्यू किसी ने नहीं दिखाया होगा फतेहपुर सीकरी का। गाइस ये कुछ ऐसा व्यू है कि इस व्यू को देखने के लिए लाख उन्नत तरसते गाइस। इस व्यू को वो तो सिर्फ हम समीर भाई दिखा रहे थे, ये व्यू आपको कोई नहीं दिखा सकता। और ये देखो ये सतपुरा जो हाथी की कबर बताई थी जो गाइड ने झूठ फूट कैसा ही बोला मुझे तो नहीं पता, लेकिन चलो ये आ गई हाथी की कबर। कितना घूम के आना पड़ा, कम से कम 5-6 किलोमीटर घूम के आना पड़ा इस हाथी कबर के लिए। इस वजह से कुछ सड़क देखते हैं हाथी है क्या नीचे। तो हेलो गाइस, देखिए यहाँ पे हम आए थे, अब दोबारा लौट के जा रहे हैं हम यहीं से। टोल टैक्स ही हमारा यहाँ से उगाए थे हम। हमारा टोल टैक्स गाइस इनके पापा का टोल टैक्स है ना, ये हमारा टोल टैक्स बोल रहे हैं। तो गाइस हम फिर से वहीं आ गए जहाँ से हमने ब्लॉग की जर्नी स्टार्ट की थी। ये वही लोकेशन है जो मैंने बोला था कि गाइस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, मैंने ये बोला था ना। तो गाइस हम ये बोलना चाह रहा हूँ इस ब्लॉग का, हम यही एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग जरा सा भी पसंद आए ना, जरा सा भी, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलते हैं, तो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी।